अभी शिवानी दीदी सो रही है और मैं चल रहा हूँ। कौन से स्कूल जाते हो? मेरे? हाँ, मैं तो देख ही नहीं जाती। झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते। कब जाते हो? झूठ बोल रहे हो ना? तो मेरे चार दोस्त हैं। स्कूल नहीं जाते ना? जाता हूँ। कब जाते हो? आज जाता हूँ। आज जाता हूँ। आज जाते हो? आज गए थे, आज तो छुट्टी है, आज का तो झूठ बोल रहे हो। झूठ झूठ बोल रहे हो ना? जा रहे हो खेलने? जा रहे हो खेलने? अच्छा, दोस्त है कि नहीं है स्कूल में? है? है? कितने दोस्त हैं? पांच दोस्त हैं। चलो, सब तो अच्छा है। बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं घर आई तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी, सिर पूरी तरीके से घूम रहा था, क्योंकि जब भी मैं फोर व्हीलर में बैठती हूँ ना तो मेरी हालत ऐसी ही हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो गाइस, मामा के यहाँ से आने के बाद हमें बर्थडे सेलिब्रेशन में भी जाना था, जिसके लिए हमें गिफ्ट वगैरह भी परचेज करना पड़ा, क्योंकि दो बच्चों का एक साथ में बर्थडे है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। मतलब एक हमने सेलेक्ट कर लिया लेकिन दूसरा भी सेलेक्ट करना था, तो दो एक साथ में करना था पहली बात। तो हम लोग, हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चूजी है इस मामले में किसी को गिफ्ट देने के लिए, सोचते हैं ज़्यादा ही अच्छा करें, उसके चक्कर में कुछ जल्दी से मिल नहीं पाता है। तो बाय द वे, अभी गिफ्ट तो ले लिया है, हम जा रहे हैं श्वेता के घर पे और ये बहुत दिन बाद जाने वाली है तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं। वैसे हमें वहाँ भी बहुत ही जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, वैसे अभी सेलिब्रेशन होने भी वाला नहीं है, सेलिब्रेशन रात में होगा, लेकिन हम जल्दी से जाके आएंगे क्योंकि इनको अपनी ससुराल भी जाना है आज ही के दिन। तो गाइज, यहाँ पर ना जो कथा हुई थी उस टाइम पे तो हम पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन दर्शन हमें ज़रूर मिल गया, तो हमने सोचा आपको भी करा दिया जाए। यहाँ पे मेरी बहन ना अपने बेसे से मिलने बहुत दिन बाद आई हुई थी, और उसकी शादी के पहले ही जब आई थी तो वो आई थी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हुई थी, तो बहुत सारी बातें हम लोग
हमें पता था कि बर्थडे सेलिब्रेशन हम नहीं देख सकते, बस कुछ टाइम है जो हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बर्थडे रात में सेलिब्रेट होता है, उसके पहले मेरी बहन अपने ससुराल चली जाती। अब घर पे आए और उसके बाद बहन की विदाई हो गई, उसके बाद क्या होना था, मेरे गंगा यमुना बहने लगी आंखों से और बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे फील हो रहा था। रोते समय खुद को रिकॉर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि यार उस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, खुद को देख के हंसी भी आ रही होती है कि रिकॉर्ड करें खुद को, लेकिन यार पूरे दिन का जब रियल व्लॉग शेयर किया ना तो खुद को रियल रियल दिखाना ही तो बनता है। तो यहाँ पे यार मेकअप उतारने के बाद, चेहरा धुलने के बाद जो हाल हो रखा था चेहरे का, वो कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं अपनी स्किन पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती, जो भी करती हूँ बस स्किन केयर करती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बिल्कुल रियल स्किन भी आप लोग देख लो कि हल्का सा बीबी क्रीम लगाने के बाद मेरी स्किन का क्या हो गया था। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो वीडियो देख के, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ सॉल्यूशन बताइएगा कि जिसको लगा के मेरी स्किन थोड़ी सी ठीक ठाक हो पाए और मेकअप मेरे चेहरे पे बना रहे और उसको लगाने के बाद मेरी हालत ऐसी ना हो। बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट।